ज्ञान की ताकत थी और प्रतिबद्धता की ताकत थी, इसलिए नीतीश कुमार ने ईमान और प्रतिबद्धता को चुन करके ये दो ही आदमी को शाहबाद में मूर्ति सरकारी स्तर पर लगा है। तो संघर्ष और साधारण गरीब गांव के किसान के लिए रहा है। माननीय रघुपति गोप जी की सती सराहनीय यही होगा कि हम उनके आदर्श पर चले, उनके बताए मार्ग पर चले जो उन्होंने किसानों को सोच रखते थे। उनकी जो मूर्ति है, जब जब उस मूर्ति के सामने आदमी आएगा तो देखेगा कि कैसा भी एमएलए इस क्षेत्र में हुए थे, बताए हुए रास्ते पर चलना ही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो दुनिया को अन्न देता है उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई किया और उनकी आवाज़ों को मुकाम तक पहुंचाया, विधानसभा में बात रखा। गोप जी का जो है, आप लड़के हैं, क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा, उनके जीवन जो है क्या संदेश देता है? उनका जीवन तो संघर्ष और साधारण गरीब गांव के किसान के लिए रहा है ना, और इसको अपनाना चाहिए, इसको आगे बढ़। जो अनावरण हुआ है चरकोपरी ब्लॉक में, क्या कहिएगा, इस पर क्या कहिएगा? इस पर आभार व्यक्त करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और बड़े समाजवादी नेता जो यहाँ अनावरण करने आए नरेंद्र नारायण यादव जी का, ये आभार व्यक्त करूँगा हम। इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और जमीनी व्यक्तित्व राजनीति को समझा है। अब आपके पिताजी का जो है आदम का जो प्रतिमा है ये ब्लॉक परिसर में लग चुका है, महसूस कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा महसूस। पूर्व विधायक और किसान के नेता रघुपति गोप जी का जो है मूर्ति का अनावरण, क्या कहिएगा? मैं सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार को बधाई देना चाहता हूँ कि शाहबाद में 3 साल के MLA राम इकबाल बाबू का मूर्ति अनुमंडल हेडक्वार्टर पर लगाया गया और 1.5 टर्म का विधायक रघुपति गोप का मूर्ति चरपोखरी प्रखंड कार्यालय में लगाया गया। चूँकि शाहबाद में बहुत नेता हुए, समाजवादी रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने इन्हीं दो का मूर्ति क्यों लगवाया, सोचने का विषय है। और 3 साल सबसे कम समय में MLA रहने वाले राम इकबाल बाबू फ्रीडम फाइटर थे और उनकी मूर्ति अनुमंडल हेडक्वार्टर पर लगा है, तो इसमें ईमान की ताकत थी और प्रतिबद्धता की ताकत थी, इसलिए नीतीश कुमार ने ईमान और प्रतिबद्धता को चुन करके ये दो ही आदमी को शाहबाद में मूर्ति सरकारी स्तर पर लगा है। सरकारी स्तर पर और शाहबाद में कोई मूर्ति नहीं लगी है, लेकिन दो आदमी का लगा तो एक आदमी 3 साल MLA था और एक आदमी 1.5 टर्म MLA था, इसलिए नीतीश कुमार ने प्रतिबद्ध और ईमान की प्रतिमूर्ति को शाहबाद में सरकारी स्तर पर मूर्ति लगाने का काम किया। इसलिए मैं नीतीश कुमार को शत शत नमन और मुबारकबाद बधाई देता हूँ कि इन्होंने ईमान और प्रतिबद्धता की ताकत को पहचान करके सरकारी स्तर पर दोनों का मूर्ति लगाने का काम किया। क्या कहिएगा सर, आए हुए हैं? मैंने सच माननीय रघुपति गोप जी की सती सराहनीय यही होगा कि हम उनके आदर्श पर चले, उनके बताए मार्ग पर चले जो उन्होंने किसानों को सोच रखते थे कि किसानों को नहर में पानी मिले, समय पर खाद पानी मिले, किसान खुशहाल रहे। मैं उनके आदर्श पर को आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आज रघुपति जी की पुण्यतिथि है, पहले तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। रघुपति गोप समाज के लिए आदर्श थे, मैंने भाषण में भी कहा कि राजनीतिक व्यक्ति को और सामाजिक व्यक्ति को अपने आचरण को बचाने के लिए मितव्ययिता की आवश्यकता है, जिसके वो प्रतिरूप हैं। एक मिनट जरा सकूँ। उनकी जो मूर्ति है, जब जब उस मूर्ति के सामने आदमी आएगा तो देखेगा कि कैसा भी MLA इस क्षेत्र में हुए थे, जो दिन रात सतत पैदल चल करके, बस से चल करके और लोगों का काम करने के लिए प्रयासरत रहते थे। शिक्षक सह निदेशक प्रखंड दाऊद ब्लॉक से आया हूँ। बीरपुर सिंह के सर जी भी पुराना शैक्षणिक जिला भोजपुर प्रखंड चरभोकरी के प्रांगण में, प्रखंड कार्यालय प्रांगण में रघुपति गोप जी का अनावरण और मूर्ति अनावरण हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ऐसे राजनेता जो किसानों के हित के लिए काम किया। चूँकि इस दुनिया के सबसे बड़ा कोई संत है तो किसान, जो दुनिया को अन्न देता है, उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई किया और उनकी आवाज़ों को मुकाम तक पहुंचाया, विधानसभा में बात रखा है ना, एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। समाज यही संदेश देता है कि
इस दुनिया की सबसे बड़ा कोई संत है तो किसान है, हाँ, जो जो दुनिया को अन्न देता है ना, ये सबसे बड़ा संत हमारे हिसाब से संदेश जाता है ना, समाज को यही संदेश देता है कि हम उनके अधूरे सपने को जो वो सोचे थे उसको पूर्ण करने का काम हमारे जैसे छोटे समाजवादियों को करना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।